दोस्तों, अगर आप रविंद्र जडेजा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह का खेल आज पहले दिन में देखने को मिला, उससे सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ को वाकई में खुश करके रख दिया। और इस खुशी का सारा श्रेय भारतीय टीम के तीन शानदार बल्लेबाज शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और अपना डेब्यू मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर को जाता है, जिन्होंने शानदार पारियां खेलकर भारतीय टीम को पहले मुकाबले में एक ऐसी मजबूत स्थिति में डाल दिया है जिसे न्यूजीलैंड की टीम कहीं नहीं तोड़ पाएगी। और इन बल्लेबाजों के कारनामे को देखकर भारतीय टीम के नए कोच राहुल द्रविड़ ने एक बयान भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं क्या कहा राहुल द्रविड़ ने इन तीनों बल्लेबाजों के बारे में। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में कीवी टीम को हराकर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 25 नवंबर को जब सुबह सूरज निकला तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आज का दिन भारतीय टीम के लिए इतना शानदार साबित होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुई टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के दिन ही भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम के फैसले को सही साबित करने के लिए शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और टीम को शानदार शुरुआत देने के लिए एक छोर पर विकेट संभालते हुए रन बनाने का काम किया। हालांकि इसी बीच गिल के साथ ओपनिंग करने उतरे मयंक अग्रवाल अपना विकेट न्यूजीलैंड के गेंदबाज जे मिशन को दे बैठे और 27 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन शुभमन गिल ने पहले सत्र की समाप्ति तक उपकप्तान चेतेश्वर पुजारा के साथ पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में डाल दिया। हालांकि दूसरे सेशन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए काफी निराश भरी रही और तीन शानदार बल्लेबाजों के विकेट खोने के बाद पिछड़ी हुई नजर आने लगी। लेकिन तभी अपना डेब्यू मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाते हुए भारतीय टीम को इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेलकर इस बड़े मुकाबले के पहले दिन में भारतीय टीम को 258 रन तक पहुंचा दिया। और भारतीय टीम के तीन बल्लेबाजों द्वारा शानदार पारी को देखकर कोच राहुल द्रविड़ ने खुश होकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन आज किया वो वाकई में काबिले तारीफ है और अपने इस प्रदर्शन से उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है। सबसे पहले शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए कहा कि शुभमन गिल ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसी तरह की जरूरत भारतीय टीम को एक ओपनर के तौर पर थी और गिल ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए शानदार पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में डाला, जिसके लिए उनकी तारीफ करना तो बनता ही है। वहीं इसके बाद अय्यर के बारे में बात करते हुए कोच द्रविड़ ने कहा कि अपना डेब्यू मैच खेलते हुए टीम को प्रेशर के दौरान संभालते हुए अय्यर ने जिस तरह की पारी खेली उसे देखकर मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्रेयस वो खिलाड़ी है जो आने वाले मुकाबलों में भी अपनी टीम के लिए ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते नजर आएगा। वहीं जडेजा के बारे में बात करते हुए कुछ राहुल द्रविड़ ने कहा कि जडेजा के बारे में कुछ बयां करना उनके शान के खिलाफ होगा क्योंकि उनके जितना परफेक्ट खिलाड़ी और ऑलराउंडर पूरे विश्व क्रिकेट में कोई नहीं है। वो गेंदबाजी से भी टीम को जिता सकते हैं, बल्लेबाजी दिव्य खतरनाक रूप से करते हैं और फील्डिंग में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। और अगर आज के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अपनी टीम के लिए एक बार फिर से विश्वसनीय पारी खेली है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। दोस्तों, कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद ये साफ जाहिर होता है कि वो भारतीय टीम के तीनों बल्लेबाजों के प्रदर्शन से काफी ज्यादा खुश हैं और पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं कि इस मुकाबले को जीतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या जडेजा और श्रेयस की जोड़ी दूसरे दिन में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।